नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार में रिश्तों की तलखी की स्क्रिप्ट तो कुछ दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन तकरीबन हर रोज उसमें विवादों के नए नए पन्ने जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ताजा मामला सरकार के उस नोटिस को लेकर है जिसमें ट्विटर से आईटी नियमों की अनदेखी पर जवाब मांगा गया है। साथ ही इसके पहले उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर भी विवाद हुआ और अब संघ प्रमुख समेत आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से भी ब्लू टिक यानी कि सत्यापन का प्रतीक हटा दिया गया है। क्या अब सरकार और ट्विटर में आर पार का मामला बन चुका है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखें कि ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या। भारत में ट्विटर की चिड़िया फिर से फड़फड़ाने लगी है। इसका शोर फिर से तेज हो गया है क्योंकि भारत सरकार के नए कानून की नजर उसे शायद चुभने लगी है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद की नई किस्त सामने आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा गया है। ताजा नोटिस में सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि ट्विटर या तो नियम माने या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल काफी समय से चले आ रहे इस विवाद में तड़का उस वक्त लगा जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया, यानी वो अकाउंट अनवेरिफाइड करार दे दिया गया। हालांकि जब बवाल मचा तो ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट का वेरिफिकेशन बहाल कर दिया। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने सफाई दी कि वेंकैया नायडू का अकाउंट काफी समय से लॉगिन नहीं हुआ और ट्विटर नियम के तहत ब्लू टिक हटाया गया। सरकार ने कई बार साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत का कानून मानना ही होगा। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संघ के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट से भी ट्विटर ने खिलवाड़ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी वेरिफिकेशन वाला ब्लू टिक हटा दिया गया। संघ के दूसरे बड़े नेताओं के अकाउंट भी इस दायरे में आए हैं। इसमें संघ के सरकारवाह सुरेश जोशी, सरकारवाह सुरेश सोनी और सह सरकारवाह अरुण कुमार शामिल हैं। जब ये सब ट्विटर हैंडल्स जो है वेरीफाई हुए थे तो जितनी डिटेल मांगी गई थी उतनी डिटेल दी गई थी, उसके बाद ही वेरिफिकेशन का ब्लू टिक आया था। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं, और सामंतवाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में नहीं चल पाया था। दूसरी तरफ हालांकि ट्विटर की दलील है कि जिन लोगों का अकाउंट काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं होता उनके अकाउंट से एक तय समय के बाद ब्लू टिक हट जाता है। हालांकि 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी नियमों में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ट्विटर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में बताया गया था कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और अब नए नोटिस का हंटर इस विवाद को और आगे ले गया है। आज तक ब्यूरो। ब्लू टिक पर ट्विटर पर लगातार चिक-चिक बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि लगातार जब बवाल मचा ट्विटर ने जिस तरह से ब्लू टिक हटाया, उसके बाद अब आरएसएस के नेताओं का भी ब्लू टिक बहाल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है, सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने यू टर्न ले लिया है। आज सुबह सुबह हम सब ने देखा था आरएसएस के नेताओं के ट्विटर अकाउंट में ब्लू टिक बहाल कर दिया गया। आज सुबह सभी के ट्विटर से ब्लू टिक हटा लिया गया था। वहीं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर से भी ब्लू टिक हटा दिया गया था और उसके पीछे स्वघोषित अपने नियम बता रहा था ट्विटर, लेकिन जब सख्ती बढ़ी लोगों ने बवाल किया। लगातार ट्विटर के इन स्वघोषित नियमों को लेकर सवाल पूछे गए, सरकार ने सख्ती दिखाई, उसके बाद ट्विटर ने अब अपना ये यू टर्न ले लिया है।
और ये जो स्थिति ट्विटर को लेकर हिंदुस्तान में बरकरार है, ये खत्म कब होगी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के अतुल अंजान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनिजेश अवस्थी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, ट्विटर की चिड़िया उड़ रही है तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ यह है कि इस देश में अगर आपको बिजनेस करना है, जैसे आपने अभी सुनवाया रविशंकर जी को, उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि बिजनेस करने के लिए वेलकम करते हैं हम, कोई दुनिया की कोई भी कंपनी हो उसका भारत में वेलकम किया जाता है। लेकिन ये देश है, कोई पुराना रिपब्लिक थोड़ी है कि यहाँ के कानून आप नहीं मानिए, यहाँ कोई कानून नहीं। भाई इस देश में भी कानून है, हम उस कानून का कंप्लाई करना हम करते हैं तो बाहर वाले आने वाली कंपनियों को भी करना है। तो हमने क्या डिमांड किया, अगर न्यू आईटी रूल्स को आप देखिए तो बहुत सिंपल से रिक्वेस्ट है कि आप अगर छोटे, देखिए दो तरह के डिफाइन किया गया है आईटी रूल्स में कि आप छोटे इंटरमीडियरी या बड़े इंटरमीडियरी हैं। छोटे इंटरमीडियरी के लिए कुछ कम जो है वो कानून है, बड़े इंटरमीडियरी के लिए ज़्यादा कंप्लायंस की ज़रूरत है। और सिर्फ कंप्लायंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसको यहाँ पर बहाल करना है। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जो पार्लियामेंट्री कमेटी मेटी है। अब आप बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल उठाता हूँ जो जनता के लिए, अगर कहाँ की कोई जनता को कोई परेशानी हो तो वो किसके पास जाए? अमेरिका में जो बैठा हुआ है कंप्लायंस ऑफिसर उसके पास जाना चाहिए, वहां कौन हमारे न्यू जर्सी में कौन सुनेगा हमारी बात? बिल्कुल। अरे बिल्कुल। भाई यहाँ देश की जनता है, देश की जनता की कोई परेशानी हो सकती है वो आपके पास आएंगे, आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है यहाँ पर देखेगा और वो कंसल्ट करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां कंसल्ट करे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं फॉरेन बैंक में काम किया, मैंने इतने सालों तक फॉरेन बैंक में काम किया, हमारे यहाँ भी देश के कानून बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते थे, हमें कंप्लाई करनी रहती थी वो सारे गाइडलाइंस के जो देश का कानून है जो रिजर्व बैंक ने जारी किया है। अब उसको करने के लिए हमारे कंप्लायंस ऑफिसर ऑन शोर बैठता था, उसको जो भी जानकारी देनी है, जो ऑफ शोर में हमारा ग्लोबल हेड कंप्लायंस ऑफिसर बैठा उससे जानकारी लेगा और यहां पर उसको कंप्लाई करेगा, बस उतनी सी बात की। लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है कि थर्ड पार्टी का जो है आपके इस पर जाता है उसमें आपका कोई अधिकार नहीं, इसकी कोई इंटरमीडियरी है। बिल्कुल, तो इंटरमीडियरी का जो रोल है उसके लिए आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, उसको कंप्लाई करने के लिए आपको रिड्रेसल मैकेनिज्म चाहिए। 15 दिन के अंदर आज आपको है, 24 घंटे में आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, 15 दिन में उसका रेजोल्यूशन दीजिए। इतनी छोटी सी डिमांड क्यों नहीं करेंगे भाई? नाइजीरिया में ट्विटर के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया है, हिंदुस्तान में भी क्या फ्यूचर में इस तरह की तैयारी हो सकती है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा जफर इस्लाम। लेकिन रोहन गुप्ता जी, संबित पात्रा के मैनिपुलेटेड ट्वीट वाले मामले में हम सब ने देखा कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा खुश नजर आई, लेकिन जब आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से वेरिफाइड ब्लूटेक को हटाया गया, उसको लेकर क्या है टेक आप लोगों का? नहीं बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लूटिक हटाना मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं, और ट्विटर को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। देखिए चित्रा जी, अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुद्दा क्या है, जो चिड़िया की चहचहाट उनको 2014 तक बहुत अच्छी लगती थी, ट्विटर बहुत अच्छा लगता था, 2020 आते हुए 21 तो ऐसा क्या हो गया कि आज उनको जो चहचहाट और चिक चिक लगने लग गई? उसके पीछे काफी कारण है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस प्रकार से एक आवाज को दबाने का प्रयास किया, मैं उसका उदाहरण भी दूंगा आपको चित्रा जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। आवाज को हमेशा जो भी आवाज हो जाए जी, जो 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 लोगों ने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ ही कार्यवाही हो रही थी, उनके ही पदाधिकारी ट्विटर पर झूठ फैलाते पाए गए। मैं आपको 15 आर्टिकल दिखा सकता हूं जिनका आपने नाम लिया, उसके सिवा भी काफी लोगों ने झूठ फैलाया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिसेंटली जो कांग्रेस टूलकिट की फर्जी जो उनका लेके आया, आज एक भी भाजपा प्रवक्ता उसके लिए बोल नहीं रहा है, क्योंकि साबित हो गया कि गलत कागज उन्होंने रखे थे। वो गलत कागज रखने के बाद जब मैनिपुलेटेड मीडिया का उन्होंने मार किया, उसके सामने सरकार आके खड़ी हो गई। ये आज तक कभी नहीं हुआ है कि एक सरकार में एक पार्टी के प्रवक्ता के लिए सरकार ने ट्विटर को या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्टेटमेंट इश्यू किया हो, वो भी जाने दीजिए। मुझे बताइए, जिसने झूठ फैलाया उसके खिलाफ अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो एक बार तो उनपे सवाल पूछे कि आप झूठ क्यों फैलाए, आज क्यों चुप हो गए। तो मुद्दा यहाँ पे मैं हमेशा से ये कहता हूँ डिबेट्स में कि सरकार की जो मंशा है, मैं देखिए रूल्स ट्विटर को फॉलो करने ही पड़ेंगे, अगर वो हमारे आईटी रूल्स है उसमें मैं कहीं पे भी दो राय नहीं रखता हूँ। सरकार अगर रूल लॉ बन गए हैं
तो एनीबडी हु वांट्स टू डू बिजनेस इन इंडिया दे विल हैव टू कंप्लाई विद द लॉ. मेरे उसके खिलाफ मैं कोई यहाँ पे मैं वकालत करने नहीं आया, बट बात मुद्दा यह है न्यूट्रलिटी की बात करते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि आईटी लॉ में हमने कहा कि व्हाट इज ऑब्जेक्शन. बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी कैसी आदत हो गई जफर जी? मत बौखलाइए, सुनिए. उसमें लॉज में वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल. अरे भाई आराम से बात करो. सरकार के खिलाफ बोलेगा क्या? वो आजकल सिखा के भेजा गया है वो आपको नाटक करना शुरू करो टीवी पे. नहीं हो सकता है कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे काम जब तक सरकार की विश्वसनीयता, और वो विश्वसनीयता चूर चूर हो गई. कांग्रेस जो फर्जी टूलकिट मामले में, ये सरकार की विश्वसनीयता देश के सामने आ गई कि उन्होंने ट्विटर के वहां पे रेड करी. इसका जवाब आप दीजिएगा जफर साहब. लेकिन हमारे साथ तीन और मेहमान हैं. शुरुआती कमेंट जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ. लेकिन रोहन गुप्ता जी, अगर ट्विटर पर कोई मैनिपुलेटेड ट्वीट है उसको लेकर आप लोगों को आपत्ति है, तो पता है ना ट्विटर देश की कंपनी तो है नहीं, एक विदेशी कंपनी अमेरिका में उसका हेड ऑफिस है. उससे शिकायत करने के लिए आप लोगों की पूरी टीम पहुंच जाती है. इतनी ही शिकायत है अगर बीजेपी के नेताओं से कि वो झूठ फैला रहे हैं, तो देश की अदालतें हैं इस देश में. आखिर उसका सहारा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लेती है? सवाल का जवाब दीजिएगा. लेती अदालत का सहारा लिया ही है चित्रा जी. मैं आ रही हूँ रोहन जी, आगे दीजिएगा आप इस सवाल का जवाब, क्योंकि ट्विटर को लेकर इतना खुश या इतना दुखी होने की जरूरत अब क्या है? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा. लेकिन अतुल अंजान जी, ट्विटर की तो मन मर्जियां भी देखने को मिल रही है ना. अभी जो सरकार और ट्विटर के बीच चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? चित्रा जी, बहुत धन्यवाद. आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा आयोजित की है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं उन कानूनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर बहस चल रही है. और निजता के कितने सिद्धांतों को वहां पर देखा जाएगा और कितना टूट तोड़ा जाएगा, ये भी चर्चा का विषय है. लेकिन ये बात भी सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि, और मैं इस बात को शुरू में ही कह दूं कि ट्विटर की यह जो कार्य पद्धति है कि उसने हमारे उपराष्ट्रपति के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की, उसके ब्लू टिक के साथ छेड़छाड़ की, ये बहुत ही अवांछनीय है, यह निंदनीय है, और इसके खिलाफ भारत सरकार को एक पत्र उसके मालिकान को देना चाहिए. और जो और संघ के लोगों के साथ किया है वो अभी मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात करता हूँ, और लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए, सुशब्द हो, उसके गाली गलौज न हो. लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से किस तरह की नादानियां इस देश में चल रही और अभी भी चल रही है, इसको भी देखने की जरूरत है. और ट्विटर जैसी संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एकाध देश में काम नहीं करती, वो भारत के तमाम चीजों को देख रही है कि भारत में लोकतांत्रिक आजादी, लोकतांत्रिक वक्तव्य, भारत में टेलीविजन और अखबारों की कितनी स्वायत्तता और कितनी उसकी जिम्मेदारी और उसकी कितनी आज़ादी है. अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी इस तरह के होते हैं जिससे हमारे को इन दुनिया के देशों को और उनकी संस्थाओं को कुछ बल मिल जाता है. इसलिए हमें अपने देश की कार्य पद्धति को बहुत ही जनतांत्रिक बनाना पड़ेगा. अभी 26 जून को हम लोग आपातकाल की बरसी मनाएंगे, लेकिन आपातकाल की बरसी के साथ साथ ये भूल क्यों जा रहे हैं कि एक अजीब किस्म का आपातकाल है, लिख नहीं सकते बोल. हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राज्यों के अंदर 47 पत्रकार सेडिशन के एक्ट में अंदर गए और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है. अब कुछ उनको राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लगातार अब जमानतें शुरू होंगी. तो इन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है. लेकिन ट्विटर के इस गतिविधि को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है. अवनिजेश अवस्थी जी, क्या आप अतुल जी की बातों से सहमत हैं? पहली बात तो यह कि मैं अतुल अंजान जी को यह मैं बता दूं कि इन्होंने आपातकाल की बात की जिसमें बोलने की आजादी पूरी तरह बंद कर दी गई थी. उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए इस आपातकाल का समर्थन, ओपन समर्थन, अतुल अंजान जी की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया. ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और ये मानते भी हैं, इसमें कोई झुठला नहीं सकता. पहली बात तो ये. दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि ये भारत सरकार के लिए टेस्ट केस है, एक बात. दूसरी बात, जहां तक संघ के अधिकारियों के ब्लूटिक हटाने या बहाल करने की बात है, ये बात मैं बड़ी साफ सी बता दूं कि संघ को ट्विटर जैसे हैंडल की, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनके नाम से कोई गलत फेक ट्वीट ना करे, सिर्फ इस दृष्टि से बनाए गए थे. आप अगर ट्विटर जैसी किसी संस्था को, किसी कंपनी को, किसी व्यापारिक कंपनी को अगर ये भ्रम है तो वो इस भ्रम में बना रहे.
तीसरी बात, यह बात बड़ी साफ सी है कि ट्विटर एक विचारधारात्मक लड़ाई लड़ता है। विचारधारा के स्तर पर उसने ओपनली स्वीकार किया है कि वो एक विचारधारा के साथ है। मैं हजारों और हजारों लाखों ऐसे उदाहरण ट्विटर से दे सकता हूं जहां पर जिसमें एक व्यक्ति का जिसने पूरी तरह से या पूरी तरह से ओपनली जिसने हिंसा की बात की हो उसका ट्विटर अकाउंट का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वैसा ही दूसरा अगर किसी ने किया जो विचारधारात्मक स्तर पर ट्विटर को स्वीकार्य नहीं है या उसकी अनुरूप नहीं है, वो सहमत नहीं है उससे, तो उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर खोल के बोलिए ना विचारधारात्मक लड़ाई लड़ी कौन से विचारधारा, बड़ी साफ सी विचारधारा को वो सपोर्ट करता है और किसकी मुखालफत करता है, खुलकर बोलिए ऐसा। अरे बिल्कुल बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, उसने कहा कि हम लेफ्ट हैं, पूरे दुनिया भर में उन्होंने कहा, उसने ट्विटर के तमाम अधिकारियों ने, मालिक ने, सीईओ ने कहा कि हम लेफ्ट हैं और लेफ्ट की हम विचारधारा से प्रभावित हैं, लेफ्ट की विचारधारा को, और इसके उदाहरण है और आप चाहें तो जितने मर्जी उदाहरण, मैं आई एम नॉट ए सोशल मीडिया बग, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी, एक बात बड़ी साफ सी है कि अगर ट्विटर को यह भ्रम है कि भारत जैसे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर या निजता के नाम पर, पिछले एक डिबेट में कहा गया कि अगर किसी ने कोई ट्वीट किया और उससे उसके बारे में जानकारी मांगी गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसका बड़ा सबसे बड़ा एक तर्क यह है कि अगर एक व्यक्ति ने ट्वीट किया उसकी वजह से हिंसा फैलती है, हजारों या सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो उस व्यक्ति की निजता ज्यादा जरूरी है, उस व्यक्ति के बारे में न बताना ज्यादा जरूरी है, या उस व्यक्ति के बारे में बता करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। अगर ट्विटर ये कार्रवाई नहीं कर सकता तो ये भारत सरकार करेगी, इसमें कहीं किसी तरीके की दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और ट्विटर से इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद भी क्यों की जाती है, बार बार ये सवाल भी है, क्योंकि जिस तरह से दो धड़ों में ये देश बटा हुआ है। लेकिन पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, साइबर एक्सपर्ट उनके पास हम चलेंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आप लोगों की ओर से बार बार ट्विटर को नसीहत तो दी जा रही है, धमकी भी दी जा रही है कि हम साइबर लॉ के तहत कार्रवाई करेंगे अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, लेकिन अगर वो आज अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर अगर इस तरह की स्थिति इस देश में बनती है तो यकीनन कोई भी देशवासी इसका सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में सख्त कार्रवाई या बड़े मैसेज के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, बताइए आप। देखिए दो चीजें, पहले तो यह बता दो कि ट्विटर का रोल जो है पिछले 6 महीने में आप देखिए किस तरह से ट्विटर का रोल बदला है। आपने देखा कि जब बहुत सारे अकाउंट, जब 26 जनवरी को हुआ उसके बाद हम लोगों ने, सरकार ने कहा बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं ट्विटर के जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कहा, ट्विटर ने किया, लेकिन बहुत दिन बाद किया और सिलेक्टिवली किया। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि जो ग्रेटा थंबर्ग करके जो टूल किट वाले इशू में, उसमें भी किस तरह की भूमिका निभाई ट्विटर ने। आप हमारे कोई ऐसी चीज़ें अगर हमारे प्रवक्ता डालते हैं तो उसको वो कह देते हैं कि भाई ये मैनिपुलेटेड है। तो मैं 10 ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जहां लगता है कि ट्विटर का जो बायस रोल है वो सिर्फ चाहती है कि एक विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए, वो गलत है। वो एक प्लेटफॉर्म है, सबको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर उसको बहुत सारे जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में आज जिस तरह से ट्विटर ने नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्विटर ऐसे अगर गलत तरीके से करेगी तो बिल्कुल साफ लफ्जों में हमारे मंत्री जी ने कहा है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज सर, साफ प्रोटेक्शन आज कहने का असर कहां पड़ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है ना। आपने कहा कि बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक करने के लिए आप लोगों ने कहे ट्विटर ने नहीं माना, या फिर सेलेक्टिव अप्रोच रहा उस पर, और भी बहुत सारी जिसको लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी लगातार जारी है, लेकिन कोई भी सहमति बनते हुए नजर नहीं आ रही है, तो सिर्फ बातों से भला काम कैसे चलेगा। बिल्कुल बनेगी, मैं साफ लफ्जों में, ऑक्सीजन वहीं से मिलता है ना, छोटी से छोटी बात, जो बड़े बड़े नेता हैं वो आज मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए डायरेक्ट तो आते नहीं है, ट्विटर का सहारा लिया जाता है, तो आपको भी तो ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है ना सर, इसलिए थोड़ा सा डर है। देखिए चाइना भी ट्विटर का, चित्रा जी, चाइना भी ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करता है, हमारे देश में भी कू अब जो है ट्विटर के मुकाबले खड़ा हो गया है। वो तेजी से देश की जनता जितनी है, उस ट्विटर को हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान को ट्विटर नहीं चाहिए, पहले आप समझ लीजिए। हमारे देश की जितना 20% दुनिया की आबादी यहाँ रहती है, उनको मजबूरन घुटने टेकने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इस देश में उनका बिजनेस करने का जो जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। अतुल अंजान जी, यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई उस पर आपकी टिप्पणी, और अभिजेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि लेफ्ट विचारधारा को सपोर्ट करता है ट्विटर।
इतने सवाल हैं, कुछ समय दीजिए तो मैं उत्तर देता हूं। नंबर एक, लेफ्ट विचारधारा है, ये इन्हीं को पता होगा, हम लोगों को तो पता नहीं है। और 2014 से जब लगातार ये ट्विटर जो है लगातार लेफ्ट के खिलाफ और दूसरी अमन पसंद ताकतों के खिलाफ और जनतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ इनके इशारे पर मुहिम चला रहा था या इनके तमाम तरह की चीजों को इस देश में फैला रहा था, तब लेफ्ट का वो समर्थक नहीं था क्या? तब आपको बोलती नहीं पड़ी थी कि क्या कर रहे हो ट्विटर? आज जब ट्विटर ने समझ लिया कि इस देश के अंदर एक तरीके से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मान्यताएं और संविधान का गला घोंट रहा है, जब उसको समझ में आ गया, सारी दुनिया को समझ में आ गया, जब टाइम मैगजीन में छपती थी ना तस्वीर चित्रा जी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर 5 दफा छपी, आपकी देखिए कैसा ड्रैगन जैसी तस्वीर छप गई, सारी दुनिया के न्यूयॉर्क टाइम्स जब जरा सा कुछ लिख देता था इकॉनमी बड़ी बढ़ रही है तब विशेष चर्चाएं सब देश के तमाम समाचार पत्रों में और मीडिया में होती थी। अब टाइम्स मैगजीन प्रधानमंत्री और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर लिख रहा है, अब कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बड़ी गंभीरता से पढ़िए। जस्टिस चंद्रचूड़ के और कई राज्यों के, 7 राज्यों के जो हाईकोर्ट्स की ये जो कोरोना के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हैं सरकार और सरकार की एजेंसियों के संबंध में, ये बड़ी हैरान करने वाली है। अगर उनको कहा जाए तो ये इसका अर्थ नहीं है कि कोई देश हमारे देश के अंदर अराजकता पैदा कर रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको देखना चाहिए और बंद करोगे बाजार है कि नहीं है। अरे जो सच होगा वो कोई और प्लेटफॉर्म आएगा उसको भी सच बोलना पड़ेगा, और अगर सच नहीं बोलेंगे तो वो प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाएगा। ट्विटर ने जो गलत काम किया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, जब और दूसरे विपक्षी नेताओं का कुछ दिनों पहले बंद था तब चर्चा नहीं हो रही थी, तब उनका ब्लू टिक हट रहा था तब नहीं चर्चा हो रही थी, आज चर्चा हो रही है, अच्छी बात है कि चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए ट्विटर को। लेकिन ट्विटर को बंद करने की चेतावनी दे करके पहले अपने देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो चेतावनी दी है लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों को और मीडिया के अधिकारों के प्रति, उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि वो उससे ये महत्वपूर्ण बात है आपकी और इस पर अपने जेजी जवाब भी देना चाहते हैं। रोहन गुप्ता मैं आ रही हूँ, बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें हिंदुस्तान में जो स्थिति ट्विटर को लेकर बनी हुई है, नाइजीरिया ने भी अपने देश में ट्विटर के इस्तेमाल पर अनिश्चित काल तक के लिए बैन लगा दिया है। कुछ दिन पहले ट्विटर ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी के एक ट्वीट को अपने स्वघोषित नियम के खिलाफ मानते हुए डिलीट किया था, जिसके बाद उस देश ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो ट्विटर अपनी मनमर्जियां भी क्या चला रहा है और हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या इस बात को बर्दाश्त किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से अगर बिना परमिशन के वो उस तरह की छेड़खानी करता है तो कभी लगा देता है ब्लू टिक, कभी हटा लेता है, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, इससे कैसे निपटा जाए? इस पर सीधे सीधे जवाब आपसे ही, ट्विटर के खिलाफ तब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना अवनिजेश अवस्थी जी, क्यों बर्दाश्त किया जाए? मोहन भागवत जी, आरएसएस के भी तमाम लोग हैं, जैसा कि अतुल अंजान भी बोल रहे थे, रोहन गुप्ता भी बोल रहे थे कि देश तो हमारा एक बड़ा लोकतंत्र है ना, और हर आवाज को मुखर होकर बोलना ही चाहिए, तो ब्लोटेक हटाने के क्या मतलब और मायने हैं? सख्त संदेश कैसे दिया जाएगा ट्विटर को? चित्रा जी बड़ी साफ सी बात है, इसमें लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक होना चाहिए और बोलने का हक है। कई नेता कहते हैं अच्छा लोकतंत्र की बात कर रहे हो, लोकतंत्र का इंडिया में तो है नहीं। ये कहने की जब आपको आजादी है तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र है। मैं अतुल अंजान जी को आपातकाल की तो याद नहीं दिलाऊंगा, जब बिना किसी वजह के वकीलों को, डॉक्टरों को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को एक ही रात में हजारों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था और 19 महीने मीसा और DIR में बंद रहे थे। सिर्फ उस 19 महीने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 1950 के दशक से लेकर के 2014 तक सेडिशन में, देश विद्रोह में सरकार के खिलाफ बोलने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, अगर आपको याद दिलाना चाहूं तो मैं दिला सकता हूं। 1950 के दशक में मजरू सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक गाने में एक लाइन लिखी थी और वो साल भर तक जेल में रहे थे। नागार्जुन ने इंदिरा जी के बारे में कविता लिखी थी, वो जेल में रहे थे। फणीश्वरनाथ रेणु जेल में रहे थे। आप जितने उदाहरण कहें 2014 तक के, 8,000 केस तो 2013-14 में लगे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि जहां पर प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हर तरीके की गाली दी गई हो, उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि लोकतंत्र यहां पर बोलने की आजादी नहीं है तो वो किस ख्वाब में रहता है मुझे मालूम नहीं। एक बात, दूसरी बात ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज अतुल अंजान जी ने सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पहले वक्तव्य में सवाल उठाए, दूसरे वक्तव्य में उसी उच्चतम न्यायालय के चंद्रचूड़ जस्टिस का वो भी किया। आप सहमत
तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत बढ़िया, आप सहमत नहीं तो उस पर सवाल उठाना, ये नहीं चलेगा। ये है दोहरी नीति। बड़ी साफ सी बात है, आवश्यकता आविष्कार के जननी है। अगर चाइना के 58 ऐप बंद किए हैं, एक बार में बंद किए थे, टिकटॉक जैसा जो यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया था वो बंद कर दिया, किसी भी दिन ट्विटर बंद हो सकता है। किसी को ये भ्रम ना रहे कि ट्विटर को बंद नहीं किया जा सकता, ट्विटर को बंद किया जा सकता है। और अगर ट्विटर ने नहीं, भारतीय संविधान के तहत कार्यवाही अपनी नहीं की, तो उसको ट्विटर को बंद किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे चित्रा जी, मुझे लगभग इतना कह सकते। बिल्कुल, अतुल लंजान जी को जोड़ना चाह रहे हैं तो जी बोलिए। रोहन गुप्ता, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। देखिए, एक बार बार चित्रा जी, बार बार जो कहा जा रहा है कि हम इमरजेंसी में सपोर्ट किए थे, हम सिर्फ 6 महीने सपोर्ट किए थे, और जब हमको मालूम पड़ा तो हमने उसका विरोध ही नहीं किया। हम हजारों लोगों के साथ बोट क्लब पर ऐसे डांगे ने बहुत बड़ा विरोध किया था, जेल गए थे, छोड़िए उन सब बातों को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमने विरोध किया था। हम इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सामने श्री देवरस जी ने, जो संघ प्रमुख थे, उन्होंने दरखास्त दी थी और 3 पेज की चिट्ठी लिख करके 3,500 RSS के कार्यकर्ता 6.5 महीने के बाद जेलों से छूट गए थे, वैसा काम हम नहीं करते। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने मित्र को कि जरा इसको भी याद रखो। वो लोग जेल जाने के आदि नहीं, तो स्वयंसेवक हैं, वो तो राष्ट्रव्यापी कार्य करते हैं, और उनको उन्होंने कह ही दिया कि उनको ट्विटर की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई गलत न कहे तो 7-8 लोगों को आप अपना प्रवक्ता बना दीजिए और बाकी RSS के लोगों से कहिए कि ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा ही अच्छा है, और विज्ञान में संवाद की जरूरत है, मोबाइल का भी इस्तेमाल न करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहां तक मैं अपने मित्र रविशंकर प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा गुस्से में डराने की कोशिश न्याय मंत्री की हैसियत से मत कीजिए और प्रौद्योगिकी मंत्री की हैसियत से मत करिए। आपको मालूम है और आपको पता है कि ज्यादा आपने कितना किया है और अब ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पा। चलिए ठीक है, सही जफर इस्लाम, आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद में रोहन जी आपके पास भी आऊंगी, जफर इस्लाम साहब आपके भी पास आऊंगी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मौजूदा वक्त की नजाकत को देखना। ट्विटर और सरकार के बीच जिस तरह की भी लड़ाई छिड़ी रही, लेकिन देश के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शख्स के साथ, हिंदुस्तान की गरिमा के साथ, उसके डिजिटल जो हमने एक दायरा खुद के लिए बनाकर रखा है, उसके साथ अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो क्या हिंदुस्तान को एक बड़ा मैसेज ट्विटर को दिए जाने की जरूरत है? ब्लूटिक पर चिक-चिक लगातार जारी है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, जो स्थिति आज की तारीख में हिंदुस्तान में पैदा हो गई है, उसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? और ट्विटर को रोकने के लिए, क्योंकि हर किसी की एक अपनी लक्ष्मण रेखा होती है, उसके लिए ट्विटर को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज भी एक बार फिर से आप लोगों की ओर से सख्त लहजे में चेतावनी तो दे दी गई है जफर इस्लाम साहब, लेकिन आगे होगा क्या, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है ना। 25 फरवरी को बनाए गए नए IT रूल्स में सरकार ने यह साफ किया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे, उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, और इसके लिए 3 महीने का वक्त भी दिया गया था। 25 मई को इसकी सीमा खत्म भी हो गई, और पिछले हफ्ते ट्विटर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। हालांकि इससे सरकार संतुष्ट है नहीं, तो आगे पूरे मामले में क्या होगा बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि क्या होना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दो ही चीज होनी है चित्रा जी, या तो उन कंपनियों को देश के कानून को का पालन करना पड़ेगा, या देश से उनको बिजनेस करने का जो अवसर है वो खत्म हो जाएगा। यही दो चीज़ें हो सकती है, और कुछ नहीं। इसलिए कि ऐसा ये देश है जिसमें कानून का पालन होता है, वो ये बनाना रिपब्लिक नहीं कि आपके लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और, तीसरे के लिए कुछ और। और ये मोदी जी का रेजिम है, यहाँ पर देश में हर के लिए बराबर कानून है, यकसा कानून है। लेकिन अगर किसी को ऐसे कोई भ्रम है कि इस देश में ट्विटर को जरूरत है, तो ट्विटर को इस देश की जरूरत है, ट्विटर इस देश को ट्विटर की जरूरत नहीं, इस देशवासियों को ट्विटर की जरूरत नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जफर इस्लाम बैठे हैं, या यहाँ पर और भी लेफ्ट के लोग बैठे हैं, सबके लिए देश उनके जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भी कि ट्विटर को इस देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा था, वो उस पर मैं बहुत ही ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट है। भाई, अगर 2014 में वो सही काम कर रहे थे तो ये कांग्रेस की थोड़ी रूल है कि आर्टिकल 356 है, जिस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया, सेडिशन लॉ, यही तो प्रॉब्लम है, इस्तेमाल का वो आपने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आज अगर
अरे भाई आज अगर जब गलत किया तो अगर आपको अगर इस पे आपत्ति नहीं कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो अनवेरिफाइड कर दे, जबकि वो जो कारण दिया है कारण अपने आप में एक्सपोज होती है, कारण ट्विटर खुद एक्सपोज होती है, एक फर्जी वाला भाजपा के द्वारा किया गया, ट्विटर खुद से एक्सपोज हो जाती है कि जब वो कहती है कि अनवेरिफाइड करते हैं उस वक्त जब इनएक्टिव अकाउंट होता है। अच्छा अभी तो हमें ज्ञान दे रहे, अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि हम बोलते नहीं, अभी आप बौखलाए हैं या कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं का समय दिया है कि भैया गाली वाली दिया करो आप, जैसे मैं गाली वाली देने से काम नहीं चलेगा भाई, हम गाली वाली हम लोग डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर है, आप जो आपकी जमीन खिसक गई है तो आप जाइए बॉम्बे में नाटक करने का तो बॉम्बे चले जाइए, लेकिन यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ के सादगी से बात कीजिए, इसलिए कि शांति से बात कर रहे हैं, और अगर उससे भी ज्यादा है तो और भी दूसरा जगह के बता देंगे, दूसरे तरह का नाटक करना है तो बॉम्बे का और एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, जफर साहब की बात हो गई, लेकिन रोहन गुप्ता जी तो मैं सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, ट्विटर से शिकायत करने के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित नजर आती है जैसे कि देश की वो कोई संवैधानिक संस्था हो। सवाल महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी भी बीजेपी नेता से या किसी भी विरोधी से सहमत नहीं है या आपको लगता है कि नहीं ये फेक न्यूज फैला रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं, समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा या जो भी स्थिति बनती है, तो देश की अदालतें हैं उसके लिए, क्या जरूरत है आपके पूरे के पूरे नेता पहुंच जाते हैं ट्विटर से शिकायत करने के लिए, जैसे उनके सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है। देखिए चित्रा जी, मैंने मेरी बात की शुरुआत में की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार का जो भी उन्होंने एक्शन जानबूझ के लिया या अनइंटेंशनल, ये टॉलरेट नहीं हो सकता और उनको जवाब देना पड़ेगा। मुद्दा यहाँ पे काफी बड़ा है चित्रा जी, और आपसे विनती करूंगा क्योंकि सेकंड राउंड में आपने मुझे समय नहीं दिया तो मुझे समय थोड़ा ज्यादा दिया जाए। यहाँ पे मुद्दा बड़ा है, ये जो सरकार है ये अंग्रेजों के पीछे माफी मांगने वाली सरकार है, अंग्रेज तो चले गए इनको पीछे छोड़ गए, थोपो और राज करो, जो भी हम थोप देंगे वही हम राज करेंगे। मैं चित्रा जी आपको 50 ऐसे एग्जांपल सोशल मीडिया पे दिखाना चाहूंगा कि जहां पे भाजपा के प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया, फर्जीवाड़ा किया, आज भी वो सोशल मीडिया पे है, ये सरकार की विश्वसनीयता तब होती जब एक बार भी उसके ऊपर एक्शन लेते तो देश को भरोसा होता। आज यही लोग तय करेंगे कि क्या ऑब्जेक्शनेबल है, भाजपा के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है चित्रा जी, देशद्रोह भाजपा के खिलाफ बोलना, यही उन्होंने कर दिया है। आज रविशंकर प्रसाद जी ने बीच में सब प्लेटफॉर्म को लेटर लिखा कि आप ये सारी पोस्ट को हटा दीजिए, वो पोस्ट वो थी जो सरकार के खिलाफ लिख रही थी। कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि सोशल मीडिया देश की आवाज बना, ऐसे ऐसे मुद्दे लोगों ने देखे, किसानों के मुद्दे पे वो डर चुके हैं। हाँ, डर होने के बाद मेरा सिर्फ ये कहना है, लेकिन न्याय करने के लिए ट्विटर नहीं है, कौन गलत है ये साबित करने के लिए ट्विटर नहीं है, उसके लिए इस देश ने हिंदुस्तान ने अपनी अलग व्यवस्था बनाकर रखी हुई है और उसके लिए किसी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है रोहन गुप्ता जी। लेकिन आप लोगों ने चूंकि सरकार के बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों की शिकायत ट्विटर से की, इस वजह से भी तो मन बढ़ गया होगा ना उसका, क्या इस बात को नहीं माना जाए? चित्रा जी बिल्कुल, देखिए ट्विटर को कोई अधिकार नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म के बी एंड कोई एक्शन ले। जब उनके प्रवक्ता ने फर्जीवाड़ा किया, हमने वहां पे उनको कागज दिए, उनको लगा कि हाँ ये फर्जीवाड़ा है, उसमें मैनिपुलेटेड मीडिया किया, तो सरकार क्यों तिल मिलाने लगी, क्यों उनको इतना डर लगने लग गया? अगर उनके प्रवक्ता से भी गलती हुई है तो सरकार को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? आपने ट्विटर के जो कार्यालय उसके ऊपर अटैक बोल दिया, हम ट्विटर के साथ नहीं खड़े यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सत्ता में है अगर उनकी विश्वसनीयता ही नहीं होगी, उनके खिलाफ बोलने वाला अगर देशद्रोही होगा तो आप कभी भी न्याय नहीं दे पाएंगे। आज वो सोशल मीडिया की आवाज से डर चुके हैं, ये जो 56 इंची है वो एक चिड़िया से डर चुके हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, कितनी आवाज को चुप करोगे आप एक प्लेटफॉर्म को बंद करोगे 10 प्लेटफॉर्म करोगे, क्योंकि जनता की आवाज बन चुका है। आपका झूठ नहीं चलेगा जफर इस्लाम, बहुत हो चुका, पूरे देश ने देखा, आपके सारे बोलने की पूरी आजादी है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से करे, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से करे, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से करे, चाहे वो बाहर में जाके डंका बजा के करे, किसी को कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा कि गलत चीजें जो है ट्विटर पर डाल के अगर देश में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करे तो सरकार का दायित्व है। अरे अरे सुनिए, कौन डिसाइड करेगा? एक मिनट, देखिए बीच में नहीं बोला, देखिए चित्रा जी इन्हें बता दीजिए, बीच में बोलेंगे तो इनको डिसाइड किया। अरे
गलत कौन डिसाइड अरे भाई चुप तो रहो, फर्जीवाड़ा करेंगे और ऐसा क्यों बकलाएंगे? आप इनको सही बात बताओ, इनको आयना दिखाओ तो इनको परेशानी होने लगती है। इनको आयना दिखाओ तो इनको परेशानी होने लगती है। मैं देखिए मिस यूज करेंगे चित्रा जी, अगर मैंने आपकी बात मानकर नहीं बोला तो इन्हें भी आप चुप करेंगे तो मैं चुप नहीं। जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करें। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो गलत पोस्ट होगा उसको उतारने के लिए सरकार की दायित्व है, सरकार बोलेगी, लेकिन सरकार यहां लॉ एंड ऑर्डर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश को चल का अरे चुप रहो, उतारिए, अनसिविलाइज्ड मैन, आप चुप नहीं रह सकते क्या? आप चुप रहिए, चुप रहिए, आप सच बोलिए। आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कुछ काम नहीं है और खाली चुपचाप बीक से बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। क्यों बौखला? जब मैं चुन रहा हूँ तुम्हारी बात तो इडियट के जैसा बीच मत बोलो। नहीं बौखला नहीं रहे, इडियट के जैसा मत बोलो। हम डिसिप्लिन की बात करें, आप जब बहुत पर्सनल कमेंट नहीं, हमने इनके बार बार सुनी है, जितना भी बोला अंग्रेजों की बात करते हैं, गुलामी करते हैं इटालियन की, एक प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ पाए और ये अंग्रेजों की बात करते हैं। अरे जाके अपने गरीबों में जाकर देखो, इटालियन प्रेसिडेंट के अलावा क्या लिखा तुमने? अरे जाके लेके आओ एक प्रेसिडेंट, देश में एक प्रेसिडेंट नहीं था कांग्रेस को, 100 से ज्यादा साल पुरानी पार्टी है, एक प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ पा रहे ये लोग। ये बात करेंगे, ये हमें बात सिखाएंगे? अरे देश के बारे में चिंता करो, इटली के बारे में चिंता करो, हमें भी बोलना आता है, हमें भी ठोकना आता है, समझे? अगर आप गलत तरीके से बात करो तो मैं गलत, पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको एक आदेश दिया गया है कि गाली गलौज करोगे तो मैं गाली गलौज से तो नहीं, डिसिप्लिन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तुम्हें सही सलाह देंगे। और सलाह यह है कि मुंह बंद करके सुना करो, जब तुम्हारा बारी है तो बात करो, नहीं तो तब तक सुनते रहो, समझा? अभी अगर इसको समझ में नहीं आता है तो अगर ये सुन लो, देश में कानून है, कानून में न्यायपालय में जाओ, वहां जाके कोर्ट में जाके कानून में, ट्विटर के पीछे मत घूमो, ट्विटर तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, ट्विटर के साथ बैठ के देश में किसी और पार्टी के कंधे बैठ के राजनीति करते हो, ट्विटर के कंधे बैठ के राजनीति करना चाहते हो। सुन लो, जैसे हर पार्टी को तुम लेकर डूबे हो, ट्विटर को भी लेकर डूबोगे। सर एक एक करके अपनी बात रखेंगे, अतुल अंजान को जोड़ना चाह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, चुप हो जाओ, दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए आपकी बात महत्वपूर्ण है जफर इस्लाम साहब, लेकिन सरकार अपने तमाम कामकाज का हिसाब तो ट्विटर पर ही आकर देती है, फौरन रिट्वीट करके, ट्वीट करके तमाम बीजेपी के नेता प्रवक्ता सभी उससे जानकारी शेयर करते हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए ज्यादातर ट्विटर का ही इस्तेमाल करता है, तो आप दोनों के लिए ही ऑक्सीजन का काम ट्विटर कर रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बात यहां पर उपराष्ट्रपति की गरिमा की है, आप मेन मुद्दे पर आइए ना, मेन मुद्दे से भटक कर आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे पर। रोहन जी आपसे भी रिक्वेस्ट है और जफर इस्लाम आपसे भी, बोलिए अपनी बात जल्दी से खत्म करें। देखिए मैं बिल्कुल मैं आपका पालन करूंगा आपके रिक्वेस्ट का, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करना स्वाभाविक है, अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा हम पे क्रिटिसाइज करो, हमारे काम करने के तरीके पे क्रिटिसाइज करो, हमारी पॉलिसियों में कुछ कमी है तो क्रिटिसाइज करो, ये उनकी उनका है। हमारा रिसेप्टिव होना है, सरकार का तरीका है, हम जो सुझाव आएंगे उसको देखेंगे, उसमें जो भी अच्छी बातें देश के हित में होगी करेंगे, हमें कोई ईगो नहीं है, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं हजार बार कहा। लेकिन देश की गरिमा है कि नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अगर देश की गरिमा से कोई कॉम्प्रोमाइज करता है तो क्या आप उसके साथ खड़े रहेंगे? मैं समझता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये आपको कि कांग्रेस पार्टी आज चुके उसका बिल्कुल सफाया हो चुका है देश से, इसलिए कभी इस पार्टी के कंधे, कभी उस पार्टी के कंधे, कभी उस पार्टी के कंधे बैठ के राजनीति करती है, अब उसमें भी फेल हो गई तो सोचती है ट्विटर के पीछे उसका दुम पकड़ के जो है राजनीति करे। अरे शर्म आनी चाहिए, आप इस लायक नहीं है कि आप पार्टी में लोगों के बीच में जाए, एक पार्टी प्रेजेंट करने के लायक नहीं है। अतुल अंजान जी के पास में जाऊंगी और अपनी जेजी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से रोहन। जो शासक है उनकी विश्वसनीयता प्रूव करना उनकी जिम्मेदारी है, जो फर्जीवाड़ा किया हमारे लोगों का मिसयूज करने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठी है तो वो दिखा रहा है कि उनकी विश्वसनीयता क्या है। ये वही सरकार है कि उनके प्रवक्ता झूठ बोलने के बावजूद भी किसी कार्यवाही नहीं हुई, ये वही सरकार है कि उनके एमपी राष्ट्रपिता के खिलाफ बोले तो भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, ये वही सरकार है कि दिल्ली दंगे उनके कार्यकर्ताओं ने फैलाए तो भी वो चुप नहीं, कौन सी विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं आप लोग?
आप कौन से विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं? आप एक बार तो दिखाइए कि आप पे भरोसा है लोगों को कि नहीं ये सरकार है जो ऑब्जेक्शनेबल होगा, वो देश के खिलाफ होगा, वही एंटी नेशनल होगा। कोरोना काल में सरकार की हकीकत बाहर रहना देश का द्रोह नहीं है, किसानों की बात करना देश द्रोह नहीं है। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार की मुखालफत करना देश द्रोह नहीं है, इस बात को सरकार को समझना होगा, ये बोल रहे हैं रोहन गुप्ता। चित्रा जी, सरकार के खिलाफ कौन सा ऐसा दिन, चित्रा जी आप बता दीजिए, आप न्यूट्रल है ना, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन ऑपोजिशन पार्टी ने सरकार के खिलाफ और खासतौर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ट्वीट ना किया हो? अगर एक दिन भी बता देंगे तो आप, मैं बहुत खुश हूंगा। एक बात, जहां तक दिल्ली दंगों की बात है, दिल्ली दंगों में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, बाकायदा दंगों से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे कि जिसमें क्या करना है, तेल गर्म करके रखना है, यहाँ ये तैयारी करनी है, वहां वो तैयारी करनी है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उन व्हाट्सएप ग्रुप से हमें निजता का अधिकार है वो उनका? दिल्ली दंगों के बारे में क्या एक्शन लीजिए ना, मैं अगर भाजपा के कार्य करता सुन तो लीजिए ना रोहन जी, आप बीच में बोलने लगते हैं, आप बीच में की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, रोहन जी एक बात सुन, झूठ बोलने की बात एक ही है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांगी है झूठ बोलने पर तो वो झूठा माना जाएगा, उससे बड़ा तो कोई न्यायालय नहीं है ना, वो तो आप मानते हैं। और एक बार नहीं, दो दो बार मांगी गई है, लिखित में माफी मांगी गई है, झूठ ऐसे बोल, झूठ ऐसे पकड़ा जाता है। जब हर रोज झूठ बोलने वाले को पकड़ना शुरू करते हैं, रोज झूठ बोलने वाले पर माफी किसने मांगी है देश में सबको मालूम है। आपस में उलझे नहीं, हम सब जानते हैं कि झूठ की ज्यादा जीवन रेखा नहीं होती है। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, ट्विटर के इस रोक के खिलाफ क्लोजिंग कमेंट अतुल रंजन जी आपका, चूंकि उपराष्ट्रपति का ये मुद्दा है और उस पर आपने भी सरकार का समर्थन किया है, पूरे मामले में क्या होना चाहिए जल्दी से सर? मैं ये समझता हूं कि ट्विटर को इस देश के अंदर जो राष्ट्रपति और देश के महत्वपूर्ण विपक्ष के नेता हैं उनके साथ अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी मालूम करना चाहिए सरकार को कि ट्विटर एक कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, सारी दुनिया में हमारे संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में, दुनिया में वो एक माहौल बनाती है, लेकिन भारत के संबंध में उसको ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि सच अगर आप नहीं बोलोगे और अगर आप लोकतांत्रिक अधिकारों को तोड़ोगे तो निश्चित रूप से हमारी छवि खराब होगी। और देश में इस वक्त जिस तरीके से, अब मैं एक सवाल खड़ा करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अभी एक अखबार में किसी बाहर के आदमी ने बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन प्रथम पृष्ठ पर दिया कि प्रधानमंत्री जी महान हैं और $500 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो बता दे कहां करना है। ये कहीं हो सकता है? इस तरह के विज्ञापन करके महिमा मंडित करने का काम से देश चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह की शक्तियों के खिलाफ भी जो झूठ और फरेब करके राजनीति करते हैं उन पर भी रोक लगे और ट्विटर जैसी संस्थाओं को निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन देश की परिस्थिति में करना चाहिए। और नाइजीरिया के संबंध में मैं सिर्फ इतना कहता हूं, वो कोई दोष, वह देश है कोई क्या, वह तो बोको हामा करता है, वो तो वहां एक अलग किस्म का रोज युद्ध पड़ा है, एक वहां फौजी शासन है, वो चाहे जो करें, लेकिन भारत की परंपराओं के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। और सरकार को, भाजपा की सरकार को, लोकतंत्र के जनतांत्रिक अधिकार में जनता के अधिकार और प्रेस की आजादी पर कोई हमला बोलने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। वक्त की कमी है जफर इस्लाम साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ट्विटर यकीनन सोशल मीडिया का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से अगर उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह की स्थिति पैदा की जाएगी जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है तो हिंदुस्तान कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी वजह से ट्विटर को भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। सरकार फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या करती है इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे दंगल में, आज के लिए बस इतना ही। ट्विटर को लेकर चिकचिक हिंदुस्तान में लगातार जारी है। एक बार फिर से भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि तमाम आईटी नियम जो बनाए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उसको ट्विटर माने वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच आपको बताते चले, चाहे उपराष्ट्रपति हो या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या आरएसएस के दूसरे बड़े नेता हो जिनका भी ब्लू टिक ट्विटर की ओर से हटाया गया था, सरकार की सख्ती के बाद अब उन सभी का ट्विटर अकाउंट ब्लू टिक के जरिए बहाल कर दिया गया है। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों और ये स्थिति दोबारा नहीं बने इसके लिए सरकार क्या करेगी इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।